रहा हूँ। विद्युत ठेकेदार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जो ट्रेडर से हमने मटेरियल परचेस किया है वो हमारे घर पे आके बैठ रहे हैं। साहब आप मजबूरी हमारी ये भी है कि हम आपके घर पे आकर बैठे, अगर 7 दिन में पेमेंट नहीं आया तो मैं आपके दरवाजे पर पेमेंट मांगने आ रहा हूँ। सबसे पहली मांग ये है, क्या हमारा जो रुका हुआ जो बिल है विद्युत ठेकेदारों का, वो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को मैं एक विनंती करता हूँ कि वो जल्द से जल्द आपको पेड करे। नहीं, अगला कदम तो साहब अभी काम बंद करना वही बाकी है, और इसके अलावा और कोई विद्युत ठेकेदार कर ही नहीं सकता कुछ और काम। अभी कंडीशन खराब हो चुकी है। पैसा 10 करोड़ मिनिमम औरंगाबाद का रुका है, अभी करो इंटू ऑल ओवर महाराष्ट्र का यही कंडीशन है। महाराष्ट्र में 35,000 के आसपास ठेकेदार है, उसमें सभी लोग शायद इसमें नहीं होंगे, मिनिमम 30,000 के लोग आसपास तो काम करते हैं माल वितरण में। एक ठेकेदार के अंडर में मिनिमम 10 या 15 आप लेबर पकड़ो तो 3 या 3.5 लाख के आसपास वो मजदूर लोग हैं। जब ठेकेदार की हालत ये है तो उनकी भी तो कंडीशन खराब ही हुई है। तो सर एक ये बताइए, आपकी कितने महीने से है या कुछ साल से है? कितने महीने से आपकी पेमेंट हुई है? 6 महीने हुए तब से किसी को पगार पेमेंट मिली नहीं है। बिल ऑलरेडी एचओ को गया हुआ है, उसका पैसा भी एचओ के पास है, बट वो रिलीज क्यों नहीं कर रहे वो वही जाने। अभी क्या बोलेंगे उसके ऊपर, क्यों इतना टाइम लग गया? काम पर कितने लोग डिपेंड है, मजदूर तबका कितने? 4 लाख लोग महाराष्ट्र में इसके ऊपर डिपेंड है, और वही 4 लाख जो लोग है वही महाराष्ट्र को उजाले में रखते है, वही मेहनत करते है, तब ये इधर ये रोशनी जो फैली हुई है ये 4 लाख लोगों की मेहरबानी है। अगला कदम क्या है संगठना का? संगठना की तरफ से मैं अभी सबसे पहले तो प्रशासन को ये आह्वान कर रहा हूँ कि मेरे को 7 दिन के अंदर पेमेंट दो या तो फिर मैं काम बंद करूंगा। हाँ, पेमेंट अगर नहीं होती तो काम बंद कर देंगे। काम बंद होगा तो कितना नुकसान? अभी वो नुकसान तो वो प्रशासन देखेंगे ना। विद्युत ठेकेदार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जो ट्रेडर से हमने मटेरियल परचेस किया है वो हमारे घर पे आके बैठ रहे हैं। साहब आप मजबूरी हमारी ये भी है कि हम आपके घर पे आकर बैठे, अगर 7 दिन में पेमेंट नहीं आया तो मैं आपके दरवाजे पर पेमेंट मांगने आ रहा हूँ। भीख मांगो आंदोलन करेंगे। ठीक, हबीब पटेल, मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ संगठन का। देखेंगे ना भैया वो क्या करेंगे, हम ऐसे भी तो भूखे मर रहे हैं, तो नुकसान कब तक देखेंगे? कंज्यूमर के बीच का दुआ है कॉन्ट्रैक्टर। प्रशासन और कंज्यूमर के बीच का दुआ है कॉन्ट्रैक्टर। जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर काम बंद करेगा उस दिन जो है तो महाराष्ट्र डार्क ब्लैक में चले जाएगा। जो है तो इसका जवाबदार प्रशासन और प्रशासन रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए जवाबदार नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अगर पैसा ही नहीं है तो काम करेगा कहाँ से, मटेरियल परचेस करेगा कहाँ से? पहले सप्लायर का इतना पेमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्टर की तरफ, आज वो कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन भी नहीं उठाता और मटेरियल देने के लिए बोले तो बोलता पुराना पेमेंट डालो और बाद में नया मटेरियल मिलेगा आपको। जब तक तो आपको मटेरियल मिलेगा नहीं, और अगर ऐसा होता है, अगर समझो पेमेंट नहीं करते तो आने वाले टाइम में महाराष्ट्र के अंदर अगर डार्क में जाता है, ब्लैकआउट होता है, तो इसका जवाबदार प्रशासन ही रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर तो बस अपना काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका पेमेंट अगर जब तक नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? और 4 लाख ऊर्जा मंत्री साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने बोले अभी कोरोना काल चल रहा है तो आप जो है तो फरवरी में आकर मिलिए, फरवरी में आके मिलने के बाद आपको देखेंगे। लेकिन अब फरवरी में आके मिलने के बाद बोले तो हमारा जो है तो पेमेंट का पहला इशू है, वो पेमेंट का इशू क्लियर होने के बाद हम लोग जो है तो जाने वाले मिलने के लिए, लेकिन अब पेमेंट ही नहीं आया तो यहाँ पे ब्लैकआउट होने का चांसेस है। हम महीना भर से 1.5 महीने से कंटिन्यू फॉलोअप में है कि भाई हमारे को जो है तो बिल दीजिए, कंटिन्यू फॉलोअप में। इसलिए क्या भाई, अगर बिल देंगे हम सप्लायर का पेमेंट करेंगे और आपका काम सुव्यवस्थित और अच्छे से चलते रहेगा। क्या आगे जाके किसी को जो है तो कॉन्ट्रैक्टर और प्रशासन के बीच में जो है तो कंज्यूमर पीछे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम आज तक भी काम करते आ रहे, धकाते आ रहे कैसा तो भी काम करके। कितना पेमेंट बकाया हो सकता है? मेरा नाम शेख तैयब नायकवाड़ी है।